नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भाई। दुबई से आ रहा है, कंपनी का नाम है देमार, और हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि देमार देमार ही हो रहा है वहां पे, और फंसे भी बंदे राजस्थानी हैं सबसे ज़्यादा, उनके साथ देमार ही देमार हो रहा है चारों ओर से। ये समझ लीजिए कंपनी का नाम भी मालिक ने ऐसे ही रखा है। कंपनी का नाम साथियों बताया जा रहा है जो लुल्लू मार्केट हाइपर मार्केट है दुबई में, सब जानते हैं उनका। कोई जवाई बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, वो उनका रिश्तेदार है मोहम्मद जाफर मुस्तफा मलिक, ये मालिक का नाम है जिसने इनको छोड़ दिया। लगभग 150 से 200 के करीब बंदे हैं, बता दूं नहीं उनको रहना खाना सैलरी सब कुछ, वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है इनके साथ। तो भाई आप अगर इनके पास हो, कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आपको आप सक्षम हो इनकी हेल्प करने के लिए, तो भाई हेल्प कर दीजिए अगर आपसे होता है तो। बाकी भाई सोशल मीडिया में ताकत बहुत होती है, आपने देखा होगा राजस्थान में जो विष्णुदत्त सीआई जो आत्महत्या कर ली थी, गहलोत साहब ने बोला सीआईडी की जाँच नहीं दूंगा, वो दे दी उन्होंने, झुक गए वो। यानी सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, किसने झुकाया? जनता ने। जनता ने इतना प्रेशर दिया कि उन्होंने हाँ कर ली कि हम सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं। तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, कहीं ना कहीं ये जाके टकराएगा और उनका समाधान हो जाएगा। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी वीडियो में देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जितना भी आदमी इधर बैठा है वो देमार ग्रुप ऑफ कंपनी में आया हुआ है राजस्थान से। हम सबका इंटरव्यू संगम ट्रेड सेंटर जयपुर अरमाडा में हुआ था, एजेंट का नाम है तौफिक। वो सब उन्होंने हमारे को इधर भेजा 60,000, 70,000, 80,000 रुपये लेके, किसी का भी वीज़ा नहीं लगाया, थोड़ा सा आदमी का वीज़ा लगाया। उसके बाद 3 महीना हो गया, किसी को सैलरी नहीं मिला अभी तक। पूरे राजस्थानी भाई हैं इधर, हम लोग परेशान हो रहे हैं। कोरोना का भी चक्कर चल रहा है, इसमें 10-10 आदमी को रूम में डाल के रखा है, खाने के लिए किसी के पास भी 1 रुपया भी नहीं है। बहुत आदमी इधर परेशान हो रहे हैं, सीआईडी वालों के पास जाते हैं, वो सुनाई नहीं कर रहे हैं, कंपनी हमारी सुनाई नहीं कर रही है। लेबर कोर्ट में हम लोग जा चुके हैं, तो हमको कैसे भी करके अपने देश इंडिया बुलाया जाए वापस। हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं, इधर पूरे आदमी बहुत परेशान हैं, घर पे भी सब लोग परेशान हैं, खाने का चाय पीने का कुछ भी पैसा नहीं है हमारे पास। हम लोग इंटरनेट भी साथी से मांग के ये वीडियो बना रहे हैं अपलोड करने के लिए, तो प्लीज़ कैसे भी हम लोगों की हेल्प करो यहाँ से निकालने में, हम लोग इधर मर जाएंगे नहीं तो, बहुत परेशान है। हमारी कंपनी का नाम है देमार ग्रुप ऑफ कंपनी, और 43 आदमी का इसमें वीज़ा लगाया सब मिला के, राजस्थान केरला आंध्रा मिला के, बाकी जितना भी आदमी है किसी का वीज़ा नहीं लगाया। हमारे कंपनी के एमडी का नाम है मोहम्मद जाफर मुस्तफ़ा, जो कि लुल्लू हाइपर मार्केट वाले के कुछ रिलेशन में है। तो इधर हम लोग बहुत परेशान हैं, कैसे भी करके हमको यहाँ से निकाला जाए। ये देखिए दीमार ग्रुप में ये आदमी आया हुआ है, जिसका दूसरा ग्रुप है एमजेएम, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कोई 6 महीने से कोई 3 महीने से ये लोग इधर काम कर रहे हैं, इनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। लड़ झगड़ के हम लोग खाने का पैसा लेते हैं। ये लोग इंडिया जाने के लिए चाह रहा है, बट यहाँ पे टिकट का उसका कोई ये व्यवस्था नहीं हो रहा है, खाने का मुश्किल है और सैलरी भी नहीं दिया है। तो इंडिया गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कुछ ये अरेंजमेंट करके इंडिया को वापस भेजने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरा, हमारा पासपोर्ट टिकट दिलाया जाए हमारा सेटलमेंट के साथ। जो भी आदमी इस वीडियो को देखेगा वो फेसबुक में किधर भी सोशल मीडिया पे ये कंपनी का नाम है दीमार ग्रुप, दूसरा कंपनी का नाम है इसका एमजेएम, इसका एमटी है मोहम्मद जाफर मुस्तफ़ा, जो लुल्लू हाइपर मार्केट वाले का दामाद है। बहुत बड़ा आदमी है लेकिन हमारी नज़र में बिल्कुल छोटा है, क्योंकि वो लेबर के लिए सही नहीं है। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं वाटर फ्रंट मॉल कलवा, जिस शारजा का है, शारजा का शेख का, उधर हम लोग काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टर का नाम है, ये हम लोग इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है। अभी कोई हमारी हेल्प करना चाहता है तो इधर आए, हम इधर मीडिया पार्क के अंदर हम लोग रह रहे हैं, इधर हमारा कैंप है, एमजेएम कंपनी लिया हुआ, जो कैंप हमारा
आज तक का उसका रेंट है, कल शायद हम लोगों को रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो देखें और एक दूसरे को शेयर करें।